अस्सलाम वालेकुम अहमद अली, आपकी खिदमत में हाजिर है। हमेशा की दराज में हमने कोशिश की है कि इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक अवेयरनेस वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाए, और जो फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं उसमें किस तरह के फिल्टर जो है इस्तेमाल हो रहे हैं, तो उसी के अंदर जो एक लगने वाला फिल्टर होता है कार्बन फिल्टर, उसके बारे में बताया जाएगा। कार्बन का अक्सर मकसद क्या होता है, कार्बन किस पर्पस के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, और कार्बन फिल्ट्रेशन के लिए क्यों लाजमी है। फिल्ट्रेशन हो, आरओ हो, डोमेस्टिक लेवल पे हो, कमर्शियल लेवल पे हो, उसके अंदर कार्बन का एक अपना किरदार होता है, और कार्बन जो है लोग लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है आपको कार्बन के बारे में, कार्बन की क्वालिटीज़ के बारे में, और अगर आप कहीं से भी कार्बन फिल्टर वगैरह खरीदते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो आप उसको किस तरीके से खुद चेक कर सकते हैं कि कार्बन के अंदर क्या चीज़ें देखना लाजमी होती हैं, और कार्बन इस्तेमाल करने का जो हमारा मकसद होता है वो किस तरह पूरा होगा, किस तरह का कार्बन वो मकसद पूरा करेगा। अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आमतौर पर जो आप लोग कार्बन इस्तेमाल करते हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं, सिर्फ दिखने के हद तक एक जैसा होने से कार्बन की क्वालिटीज़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बताता हूँ आप कार्बन किस तरह चेक कर सकते हैं। ये कार्बन फिल्टर आपको 200-250 रुपये तक का मिल जाता है, लेकिन आप 200-250 रुपये का कार्बन कभी भी खरीद के उसको तोड़ के नहीं चेक कर सकते। लेकिन ये कार्बन मैं आपको तोड़ के दिखाने वाला हूँ आज। तो ये हमने लिया कार्बन, तो अब हम सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। यहाँ से हमने इसको, इसके रैप को काट दिया है, काट दिया है, ऊपर वाला रैप हमने निकाल दिया है। रैप निकलने के बाद आप इसको यहाँ से हिट करेंगे, करेंगे हिट, जैसे आप इसको हिट करेंगे तो आपको ये देखें, ये देखें, ये है कार्बन कलर आपको दिख रहा है, ये होता है इसमें कार्बन। और जो आमतौर पर मार्केट में मिलता है वो भी हम लेके आए, वो भी हमारे पास है। अगर आप उसको करेंगे, ये देखें, ये कोई तीसरी ही चीज़ है, कार्बन नहीं है, इतना मैला सा, इतना चीप सा इसका कलर है, ये कार्बन नहीं होता, कोई प्लास्टिक सा जो है ना, सीमेंटेड टाइप की कोई चीज़ लग रही है, ये कार्बन नहीं है। आपको ये कार्बन लग रहा है, या फिर आपको ये कार्बन लग रहा है, दोनों देखें। अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं इसको, देखें दोनों में से आपका दिल किस चीज़ पे मुतमईन होता है आपको दोनों। तो हम इसी तरह आ जाएंगे GAC, जो आपका ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन होता है। ग्रैनुलर एक्टिवेटेड कार्बन जो इसके अंदर मौजूद होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, और कार्बन जो एक्टिवेटेड होता है जब आप उसको पानी में डालते हैं तो रिएक्ट करता है। एक्टिवेटेड कार्बन कुछ इस शक्ल का होता है, ये देख सकते हैं आप, इस शक्ल का एक्टिवेटेड कार्बन इस शक्ल का होता है, जो आप इस वाले कार्टेज में देखते हैं। लेकिन इसी तरह के और कार्टेज होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके अंदर एक्टिवेटेड कार्बन नहीं होता है। अगर मैं आपको इसकी एक्टिवेशन दिखाना चाहूँ तो मेरे पास एक फिगर है जिसमें इसका जो मैक्सीप्योर का GAC है उसका कार्बन है, तो आप इसको इसमें जैसे ही डालेंगे तो आप ये, अगर कैमरा आपको दिखा सके, एक्टिवेशन चेक करें, ये होता है एक्टिवेटेड कार्बन, ठीक है। और
इसके बाद अब मैं आपको जो आम तौर पे फिल्टर मिल जाते हैं उसका कार्बन आपको चेक करवाता हूँ। जो आम तौर पे मार्केट में कार्बन के नाम पे लोग को चूना लगाते हैं, तो दिखाता हूँ ये किस तरह का कार्बन होता है। ये देखें, ये लगाते हैं, ये जो कार्बन था ये इसके साथ रख दें। अब हम जो ले लेंगे कार्बन, सारे हाथ के सत्यानाश, देखें किस तरह का कार्बन है। शायद कैमरा ना दिखा पाए, इसके अंदर पत्थर वगैरह भी हैं। और अब हम इसको डाल के चेक करेंगे। ये देखें रिजल्ट आपके सामने। उस कार्बन का क्या रिएक्शन था, इस कार्बन का क्या रिएक्शन है, जाके बस सिर्फ और सिर्फ ठंडा होके बैठ गया है। तो भैया ये होता है कार्बन में फर्क। कहीं से भी खरीदें आप कार्बन लेते हैं, एक रिलायबल प्रोडक्ट लें क्योंकि आप उसके पैसे दे रहे हैं। इस तरह का कार्बन होगा लेकिन आप खोल के चेक नहीं कर सकते। कहीं से भी लें तो आप किसी रिलायबल शॉप से रिलायबल प्रोडक्ट लें क्योंकि ये आपके ड्रिंकिंग पर्पस में चीज़ें काम आती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से दो तरह के कार्बन को चेक किया गया। देखिए कार्बन की क्वालिटी ऐसी होती है, एक होता है कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन और दूसरा था कोल बेस्ड कार्बन। कोल बेस्ड कार्बन वो होता है जो कुदरती जखायर से ज़मीन के अंदर से पाया जाने वाला कार्बन होता है, वो लोगों को सस्ता पड़ता है तो उस तरह के लोग कार्बन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन वो होता है जो कोकोनट के शेल को जला के और उसके अंदर एक मखसूस मिकदार में आयोडीन ऐड की जाती है, तो जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है वो कार्बन ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे जो आम तौर पे फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल लोग कर रहे होते हैं वो लकड़ी को जलाने के बाद उसका कार्बन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो सरासर जो है बुजुर्ग सेहत है वो किसी इस्तेमाल का नहीं होता। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मट्टी भर देते हैं उसके अंदर। और ये जो मैंने आपको फिल्टर इतनी तोड़ फोड़ मैंने किसी वीडियो में अपनी नहीं कही है, इसके अंदर जो दिखाया है इसके अंदर लोग सीमेंट भर देते हैं, सीमेंट भर के लोगों को पिला रहे होते हैं। खैर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को बताया जाए, अवेयरनेस आप लोगों के पास हो कि आप लोग क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्या पी रहे हैं। लोगों को पता नहीं होता, वो बेचारे जाते हैं कहते हैं फिल्टर दे दो, फिल्टर लेते हैं और चले जाते हैं। तो खैर आपके पास अब इन्फॉर्मेशन है, एक रिलायबल प्रोडक्ट आप परचेज करें, उसके बाद आप खुद फैसला करें जिस चीज़ के ऊपर आपका दिल मुतमईन होता है वो चीज़ लें। आप कहीं भी जाएंगे आपने सारे पैरामीटर्स देखने, किस तरह की प्रोडक्ट है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।